नमस्कार, आप देख रहे हैं कुटवारी न्यूज। मैं हूं संजय कुमार। इस टाइम हम शक्ति संस्थान सुंदरमणि में हम पंडित से जानने की कोशिश करेंगे कि कल से जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उनकी जो विधि विधान है कैसा होगा, यानी कि जो साग पुराने का टाइम है कितने बजे हो, नवरात्रि कब से स्टार्ट हो, क्या टाइम है, उनसे पूरी जानकारी देते हैं। सर, आपका चैनल में स्वागत है। तो आपके मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणेन्द्र अम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। तो कल 3 तारीख से लेकर 12 तक ये नवरात्र रहेंगे हमारे। 12 को नवमी है, 11:10 तक उसके अंदर ही हम नवरात्र का अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। और कल हमारे यहाँ शक्ति संस्थान में सुबह प्रातः काल से हमारे, क्योंकि कल का मुहूर्त जो है बहुत अच्छा मुहूर्त है, और कल हम कोशिश हमारी जो रहेगी कि अभिजीत मुहूर्त में हमारा घट स्थापन होगा और अभिजीत मुहूर्त में हमारी ज्योत प्रज्वलित होगी, तो सुबह से हमारी जो पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ शक्ति संस्थान में एक तो जय मांबे जय जगदम्बे का पाठ चलता है, दूसरा नंबर में शतचंडी जग चलता है जिसमें हमारे विद्वान लोग आकर माता दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ये प्रतिदिन। और मैं सब भक्तों को ये संदेश देता हूँ कि आप हमारे यहाँ शक्ति संस्थान में आए, पूज्य महामंडलेश्वर माता सुनीतानंद जी गिरी जी के दर्शन करके उनके चरणों में मत्था टेके और आशीर्वाद लें, क्योंकि माँ जगदम्बा स्वयं को एक चोला धारण करके जहाँ माता महामंडलेश्वर जी सुनीतानंद जी गिरी बैठे हुए हैं, तो उनके दर्शन करें, माँ जगदम्बा के दर्शन करें, प्रतिदिन ज्योति के दर्शन करें और जय मांबे जय जगदम्बे का पाठ होता है। तो वो आप बारी बारी से पाठ करने वाले लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो मैं सबसे को यही संदेश दूंगा कि कल बृहस्पतिवार के दिन हमारा नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और जरूर इस नवरात्रों में, ये शारदीय नवरात्रि हैं, नवरात्रों में आए नवरात्रों का अनुष्ठान करने से बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान राम ने भी, हमारे ऋषियों ने भी और बड़े बड़े लोगों पर जो जो संकट आते हैं तो नवरात्रों का अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रों का अनुष्ठान करने से, जो विधिवत से नवरात्रों का अनुष्ठान करते हैं, उनको माँ भगवती जगदम्बा उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है और माँ उनको आशीर्वाद देती है। इसलिए विधिवत से नवरात्रों का अनुष्ठान करना चाहिए।